देश भर में महिलाओं पर जारी अत्याचार का सिलसिला किसी न किसी घटना के रूप में सामने आना अब मानो आम बात हो चुकी है। हाल ही में नांदेड़ जिले के बिलोली शहर में घटित एक दर्दनाक घटना में हैवानों ने मातंग समाज की 27 वर्षीय मुकबधिर महिला के साथ कुकर्म कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना के लिए जिम्मेदार दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इस आशय की मांग को लेकर दिग्रह शहर में स्थानीय लहूजी शक्ति सेना, शिवतेज संगठन, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, स्वाभिमानी पक्ष आदि संगठनों की ओर से शुक्रवार को नायब तहसीलदार वीजी इंगोले को इस बाबत ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में दर्ज जानकारी के अनुसार नांदेड़ जिले के बिलोली शहर की झोपड़पट्टी निवासी मतंग समाज की मृतक महिला पर अत्याचार कर आरोपियों ने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इस दर्दनाक घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों ने इकट्ठा आती हुई इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और संबंधित महिला के मौत के लिए जिम्मेदार सभी आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनाने की मांग की है। समाज मन सुन्न करनारी घटना 27 वर्षीय महिलेवर अत्याचार बलात्कारासारखी घटना अशोभनीय घडल्यामुळे दिग्रस तहसीलदार यांच्या मार्फत स्वाभिमान पक्ष आणि इतर सामाजिक लहूजी शक्ती शिवतेज संघटना या संघटनेच्या माध्यमातून या बलात्कार करणाऱ्याला खेचून काढलं पाहिजे। पुन्हा अशा कोणत्याही घटना या महाराष्ट्रामध्ये घडू नये यासाठी सर्व सेवाभावी आणि सर्व सामाजिक संघटनांनी माननीय तहसीलदार साहेब यांच्या मार्फत राज्यपालांना निवेदन देण्यात आलं। या निवेदनामध्ये या निषेधामध्ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद तालुका सचिव या नात्याने जाहीर मी या ठिकाणी निषेध करतो। संपूर्ण महाराष्ट्राला कलंकित करणारी एक घटना नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली येथे घडली। या शहरातील मातंग समाजाच्या एका मूकबधिर विद्यार्थिनीवर लहान बालिकेवर अत्याचार करण्यात आला। ही एक समाजाला लागलेली एक कीड आहे, अशा कीडीला वेळीच आपल्याला ठेचलं पाहिजे। या ठिकाणी ती एका मातंग समाजाची होती याला काही अर्थ उरत नाही, कारण मानवतेला असणारा हा कलंक आहे। ती अमुक जातीची होती, ती तमुक जातीची होती, यामध्ये आम्हाला काही स्वारस्य नाही। शिवतेज संघटना, लवजी शक्ती सेना या सर्व घटनेचा तीव्र निषेध करते आणि आम्ही सर्वांनी मिळून आजच तहसील कार्यालयाला या अपराध करणाऱ्या व्यक्तीला कडक शासन करण्यात यावं याकरता निवेदन दिलं आहे। सोबतच लवजी शक्ती सेना, शिवतेज संघटना आणि इतर कोणत्या सामाजिक संघटनांचा या ठिकाणी समावेश आहे। युवा स्वाभिमान या संघटनेचा सुद्धा अभिमान आहे। त्यांना मी सांगू इच्छितो की हा जो अत्याचार आहे हा महाराष्ट्राला घातक आहे आणि अशा घटना घडायलाच नको। ती कुठल्याही समाजाची असो आम्हाला काही देणे घेणे नाही। ती व्यक्ती असे काही गुन्हा करत असेल तर त्याला कठोर शासन झालंच पाहिजे। जय लहूजी, जय इस दौरान सौंपे गए ज्ञापन पर लहूजी शक्ति सेना की दिग्रस तहसील अध्यक्ष गोपाल ताइड़े, आकाश घोड़े, सुदाम इंगोले, किशोर कांबड़े, शंकर ताइड़े, किशोर गवई, राहुल ताइड़े, शिवतेज संगठन के संस्थापक संतोष धाड़े, युवा स्वाभिमान संगठन के यवतमाल जिलाध्यक्ष मंगल चक्रे, मनोज उर्फाड़े, किरण उर्फाड़े, महादेव गायकवाड़, महादेव ढोक, राजू दरोड़े, अफरोज बेग, अमिन कलरवाले, स्वप्निल गायकवाड़, मानव पांडव आदि सहित लहूजी शक्ति सेना और शिवतेज आदि संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। दिग्रे से जुबेर खान, NBC News, नागपुर।